आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक एलोवेरा प्लांट से जो है हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो कैसे हम उससे दूसरा प्लांट तैयार करते हैं। देखिए ये छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं इसके नीचे देखिए ये छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स निकल जाते हैं और इससे हम एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे इसको प्लांट को निकालते हैं। इसको धीरे धीरे जड़ से इसको निकालना है, इसको बहुत सावधानी से निकालना है कि ताकि जो है इसकी रूट्स जो हैं वो टूटे नहीं, और इसको हम एक दूसरे गमले में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए पहले इसको दो जो है धीरे से निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये ऐसे ही हमें ये बर्ड्स को निकाल लेना है जो भी एलोवेरा के बर्ड्स है। देखिए इसमें रूट्स जो हैं ऐसे ही रहना चाहिए, रूट्स अगर टूट जाएंगे तो ये फिर नहीं लगेंगे। तो इसको देखिए हम कैसे गमले में लगाते हैं। इसको धीरे धीरे जो है उतनी गहराई से मिट्टी को खोद ले और इसको धीरे से मिट्टी चारों साइड से हल्का सा हाथों से दबा दें। और इसमें थोड़ा सा पानी जो है जब ये इसमें हल्के से पानी को आप डाल सकते हैं। हाँ तो इसमें हल्के से पानी को हम हल्के हल्के किनारे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्के से पानी डालना है इसको। और इसको जो है हल्की धूप में रखना है, बिल्कुल दिनों में ये हल्की धूप में रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी ना आए और बहुत ज़्यादा नमी भी ना हो। कैसे मैंने जो है इसी प्रोसेस के द्वारा मैंने जो है एक नया एलोवेरा प्लांट तैयार किया है। ये लगभग मैंने जो है 1 साल पहले इसको लगाया हुआ था और ये जो है अब ये एलोवेरा प्लांट तैयार हो गया है। और आप ऐसे ही जो है आपको मार्केट से नया प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने पुराने प्लांट से ही एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।